हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। तो आज जो हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करेंगे कि लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग अप्लाई कब करेंगे, है ना। सबसे पहले इसका हम लोग इसके बारे में नोट कर लेते हैं, कब हम लोग अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, है ना। तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टाइम्स लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू के, देन कंडीशन है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन है कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब होगी, जब यहां पर वहां पर एल होता था तो एल होगा, यहां पर के है तो के होगा, है ना। तो क्या होगा, के ग्रेटर देन वन, आप एल भी ले सकते हो। सेकेंड आपके पास पॉइंट है कि द सीरीज टारगेट ऑन गोल, गुड मॉर्निंग, इज डाइवर्ज करेगी इफ के जो है लेस देन वन हो। और टेस्ट कब फेल करेगा, द टेस्ट फेल इफ के अगर वन के इक्वल हो जाए या फिर एल वन के इक्वल हो जाए तो अपना टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर टेस्ट फेल होगा, पहले हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट होगा लॉगरिथमिक टेस्ट, हम तभी अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे जो भी सीरीज हमारे पास इन्फिनिटी सीरीज गिवेन होगी, सबसे पहले हम वहां पर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा तो जो लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी होल्ड कराने पर लिमिट आएगी, लिमिट जो भी उसकी वैल्यूज आएगी, अगर वहां पर ई होगा, अगर उसमें ई होगा तो हम क्या लगाएंगे, रोबिंस टेस्ट ना लगा करके हम वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। आर यू श्योर निशा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, यहां तक आयो समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थ्री क्यूब एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर की पावर फोर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। आनंद गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग, बढ़िया हो। अप टू इन्फिनिटी, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो मेन टारगेट आपका क्या होगा, सबसे पहले तो हमें यूएन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूएन इसमें आएगा क्या, है ना। आज थोड़ा सा 15 मिनट लेट से है, ठीक है, चले कल से टाइम पर हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए हैं। यूएन देखिए, आपके पास यहाँ एक पैटर्न मिल रहा है, टू क्यूब थ्री क्यूब फोर क्यूब, यहाँ वन क्यूब वन वन की पावर वन हुआ होगा अपॉन वन फैक्टोरियल, यहाँ टू का टू स्क्वायर टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, इसका मतलब एक पैटर्न हमें मिल रहा है। यहाँ से क्या एक पैटर्न मिला कि सबसे पहले तो एक्स की पावर एन मिलेगा, और क्या मिलेगा, एन की पावर एन भी आ रहा है अपॉन एन फैक्टोरियल, यही तो पैटर्न मिल रहा है। मासूम गुड मॉर्निंग। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से यू एन प्लस वन चाहिए, तो यू एन प्लस वन हमें बढ़िया है, ठीक है। चले अब अपने बात करते हैं एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये है अपने पास यू एन और यू एन प्लस वन हो गया। अब सबसे पहले अप्लाई क्या करना है, आपको डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपान यू एन प्लस वन, जैसे अपन यहाँ पर करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, एन की पावर एन
एक्स की पावर एम अपान एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल अपान एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एन से यहाँ से एक्स की पावर एन प्लस यहाँ एक्स आ जाएगा। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, एक लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सचिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग बढ़िया हो ना? चलो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट जुड़ जाए और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना, थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो। ठीक है, चले एन की पावर एन को अगर मैं यहाँ नीचे शिफ्ट करता हूँ और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ एन प्लस वन और इसको एन फैक्टोरियल हो जाएगा और ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा एन फैक्टोरियल, इसको हम लोग कर सकते हैं एन प्लस वन की, एन प्लस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन, और डिवीजन में इसके मैंने यहाँ पर जो एक्स की एन की पावर एन था इसको नीचे ला दिया। ठीक है, सो देखिए एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल आउट। अब देखिए आप यहाँ पर वन बाई एक्स भी था तो इंटू वन बाई एक्स, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी आपके पास यहाँ से क्या आएगा वन अपान, ये कहाँ जाएगा ई पर जाएगा, ये वन प्लस वन बाई एक्स की होल पावर एन है और इंटू वन बाई एक्स है, ये कहाँ चला जाएगा ई पर जाएगा, तो क्या आएगा वन अपान ई एक्स आएगा, ये ई की पावर एक्स नहीं है ई एक्स है। ठीक है, चलो ई एक्स आ गया। अब जब आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने के बाद अगर ई एक्स ई आता है उसमें, तो आपको कहाँ जाना है, लॉगरिथमिक टेस्ट पर जाना है, रॉबिन्स टेस्ट को छोड़कर कहाँ जाओगे, लॉगरिथमिक टेस्ट पर चले जाओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर केसेस कौन कौन सी बनेंगी। फर्स्ट केस बनेगी सर कन्वर्जेंट के लिए, कन्वर्जेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, वन अपान ई की पावर एक्स को ग्रेटर देन होना पड़ेगा वन से, दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग इसका रिवर्स करते हैं तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज, मतलब ई एक्स जो होगा वो लेस देन वन हो जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा लेस देन वन बाई ई आएगा, है ना। और सेकेंड अगर हम लोग देखें डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, तो डाइवर्जेंट के लिए आपके पास वन अपान ई एक्स को लेस देन वन होना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स ग्रेटर देन वन मीन्स एक्स ग्रेटर देन वन बाई ई। ठीक है, थर्ड आपके पास है कि टेस्ट फेल कब होगा, तो टेस्ट फेल में आप क्या करोगे यहाँ पर वन अपान ई की पावर एक्स विच इज इक्वल टू वन अपान ई एक्स है, ठीक है, वन अपान ई एक्स विच इज इक्वल टू इन दैट मीन्स ई एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई। अब जहां पर आपने यहां पर निकाला है यहीं पर आप रख दो, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या रखोगे वन अपान ई रखोगे तो ई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास कुछ यहाँ तक मिलेगा। अब यहाँ पर जब ई आ गया तो आप क्या आप लगाओगे, टेस्ट फेल हो गया और यहाँ पर ई आया तो आप यहाँ पर आना कहाँ है आपको लॉगरिथमिक टेस्ट पर आना है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट था क्या, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, तो आप यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर दो, बेसिकली आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन, यही तो था लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना। और देखिए यू एन अपान यू एन प्लस वन जो आपने किया था तो यहाँ पर जो आया है ये यहाँ पर वन बाई ई रखोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यही वाला टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए अपन क्या आता है, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर यू एन अपन यू एन प्लस वन के स्थान पर रखना है आपको और ये एन आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ओके सो
तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स लॉग ई अपान 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन था, है ना। यही तो था। चलिए अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, क्या होगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपने पास यहाँ पर है, लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ई माइनस लॉग 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। अब लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एम की पावर क्या, एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, और लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस का लॉग एन होता है ना। अब देखो यहां से आपके पास ये एन इधर चला आएगा अपने पास, आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लॉग ई बेस ई पर ये 1 पर चला जाएगा, ये 1 पर जाएगा, है ना। और एक एन यहाँ पर है, ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना। अब इसको किधर ले जाओगे, ये एन इधर साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप कर देना, है ना। तो जैसे आप एक्सपेंशन करोगे अभी एन को, इसको बाहर ही रहने दो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ये 1 हो गया, और इधर से आपके पास ये यहाँ पर ये एन लॉग 1 प्लस 1 बाई एन का एक्सपेंशन कर दो। तो जैसे हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, देखिए आपके पास एक्सपेंशन के बाद आएगा क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ये 1 है, यहाँ पर एन है, एन ऐसे अपन ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, सबको पता है एक्स माइनस 1 क्या होता है, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स के स्थान पर 1 बाई एक्स है, माइनस आता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, मतलब 1 अपान 2 n² होगा, फिर प्लस आता है x³/3 होता है, मतलब 1 अपान 3 n³ होगा, फिर माइनस आएगा, इसी तरह से इसका एक्सपेंशन होगा, है ना। अब इस एन का इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो आप, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए आपको भी अभी बहुत टाइम लग रहा होगा सीखने में, बट जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करें, 0 लेवल से लेकर के चलेंगे, कोई भी स्टूडेंट होगा सबको समझ में आए, एक एक स्टेप आपको क्लियर कर, बट आप जब सॉल्व करोगे तो आप बहुत आसानी से 1 से 1.5 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब एन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो पहली बात प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 n आएगा, फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1 अपॉन 3 n² हो जाएगा, अगला वाला जो आएगा वो पॉजिटिव इस तरह से आएगा। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, और इस एन का भी अब फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या आता है अपने पास, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एन का करोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर करोगे तो माइनस का 1 अपॉन 3 n आएगा, अगला वाला जो आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन 4 n, है ना। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, अगला वाला क्यूब बनता, तो यहाँ पर क्या आएगा, n² आ रहा होगा, इसी तरह से नेगेटिव आगे आएगा। अब देखिए जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो सबका डिनोमिनेटर में n आ रहा है, सारे के सारे टर्म इधर के सारे टर्म कहाँ चले जाएंगे, 0 पर चले जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, 1/2 सॉरी। अब ये 1/2 जो है वो लेस देन 1 है, अगर ये 1 से छोटा है सॉरी। चले अब अगर 1 से छोटा है तो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा
थोड़ा सा सर्दी हो गया है। चले डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, इसका मतलब ये डाइवर्ज कर गया। तो अब केसेस क्या क्या थी अपने पास उसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या था, कन्वर्जेंट की केस कौन कौन सी थी। कन्वर्जेंट के लिए आपके पास बेसिकली था कि एक्स लेस देन वन बाई था। सेकेंड डाइवर्जेंट के लिए क्या क्या आया, डाइवर्जेंट के लिए एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन बाई आया, यही तो आया है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन, नहीं ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल बाय 2x प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 क्यूब x क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 4 x की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये है, सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे, यूएन डिफाइन करोगे। तो यूएन इस केस के लिए आपके पास यूएन आएगा क्या, देखो यहाँ पर एक पैटर्न, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब एन फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1 x की पावर 2 x की, इसका मतलब एक्स की पावर एन। नीचे अपन देख लो, वो 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एन प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा, मतलब एन प्लस 1 की पावर एन, है ना। 1 रखोगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 1 आएगा, फिर यहाँ 2 रखोगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, है ना, यही तो हो रहा है। चलो अब आप यहाँ से यू एन प्लस 1 भी डिफाइन कर लो, क्या होगा, जहाँ एन होगा उसको एन प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर ये एन प्लस 1 रखोगे, एक पॉन पहले से था कि यहाँ पर एन प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, कि पावर एन प्लस 1। अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, वही टेस्ट अपना लगाओगे, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर एन इंटू एन प्लस 2 की होल पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एन प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर एन प्लस 1, यही तो आएगा। चलो इसके आगे अपन बढ़ते हैं, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो यहाँ से इसको कट करो तो यहाँ एक्स आ जाएगा। अब देखिए एन प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको भी अपन सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। तो क्या आता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल, ये क्या है आपके पास, एन प्लस 1 की पावर एन इंटू एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू 1 बाई एक्स, यही तो आएगा। चले अब देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो इससे इसको कट करेंगे, है ना, और जो ये एक्स प्लस 1 की पावर एन है, और यहाँ से एन प्लस 1 की पावर एन है, और ये क्या है, एन प्लस 1 है, है ना। अब इसकी पावर एक है, तो ये भी दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो बेसिकली ये बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 और इंटू 1 बाई एक्स है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से एन कॉमन करोगे, यहाँ से भी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की केस है, तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप एन निकालोगे तो एन प्लस 1 निकलेगा बाहर, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 2 बाई एन की होल पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई, एन निकालोगे तो एन प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये जीरो पर गया, ये भी जीरो पर गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा,
और ये 1 बाई एक्स हो गया, क्या आया 1 बाई एक्स, है ना। एक मिनट, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपने पास यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखिए इसको कट करने के बाद इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना है, क्या आएगा उसको समझना है। जो 1 प्लस एक्स होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर एन होता है तो कहाँ जाता है, ई पर जाता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। अगर वो 1 की पावर इन्फिनिटी केस, यहाँ 2 रहेगा तो ई स्क्वायर पर, देखिए यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया, ई की पावर 1 आया, बट यहाँ अगर ये 2 है तो ई स्क्वायर पर ये जाएगा, है ना, ये कहाँ जाएगा। इसको अपन एक टर्म इसका अलग अलग करते हैं, कैसे सर, देखिए ऐसा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 2 बाई एन की पावर एन इंटू 1 प्लस 2 बाई एन कर लूँ, है ना, और इसके नीचे वाले को भी एज इट इज ऐसे ही करना है, इसको एन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाई एक्स, ये वाला जीरो पर गया, ये भी जीरो पर गया, बट ये कहाँ जाएगा, ये ई स्क्वायर पर जाएगा और ये ई पर जाएगा, है ना, आर यू क्लियर। सो क्या आ गया आपके पास, ई स्क्वायर अपान ई, है ना, इंटू 1 बाई एक्स, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ई बाई एक्स मिला, क्या मिला, ई बाई एक्स, ये आपके पास आ गया। अब हमें केसेस देखना है, कौन कौन सी केसेस यहाँ पर लग रही हैं। तो पहली केस हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट के लिए, तो कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, ई बाई एक्स को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट मीन्स अगर ये ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब है कि अगर इसका रिवर्स करते हैं तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स को लेस देन 1 होना ही पड़ेगा, लेस देन ई होना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि सर डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, अब डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, ई वाई एक्स को लेस देन होगा, इसका रिवर्स करोगे तो इनक्वेलिटी विल बी चेंज, तो दैट मीन्स एक्स को ग्रेटर देन ई से ग्रेटर देन होना ही पड़ेगा। अब टेस्ट फेल का भी हमें देखना है, तो टेस्ट फेल हो रहा है, तो जब टेस्ट फेल कब होगा, जब ई वाई एक्स 1 के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स एक्स अगर ई हो जाए, तो यहाँ पर जब टेस्ट फेल होगा और ई होगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, रॉबिन्स टेस्ट ना अप्लाई करके लॉगरिथमिक टेस्ट पर आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास कि अब आप लगाओ लॉगरिथमिक टेस्ट, तो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आप क्या, अपन के पास un और un प्लस 1 था क्या, यहाँ पर ये वाला था, इसको अपन यहाँ पर क्या रखोगे, x इक्वल टू ई रखोगे तो 1 बाई ई रहेगा यहाँ पर, बाकी सब यही वाला रहेगा, है ना, जिसको हमने कट किया है। तो अपन x इक्वल टू ई पर चेक कर रहे हैं, किस पर, x इक्वल टू ई पर, तो un अपन un प्लस 1 क्या था, un अपन un प्लस 1 क्या था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेस्ट आपके पास क्या था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स लॉग, यही तो था टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट यही था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपन यू एन प्लस 1। तो लगा दो यहाँ पर, क्या आएगा देखते हैं अपने पास, है ना। तो ये एन को अपन बाहर कर लो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स और लॉग यू एन अपान यू एन प्लस 1, तो यू एन अपान यू एन प्लस 1, यू एन आपके पास ये है पूरा, ये और यहाँ पर x के स्थान पे e रख देना, ठीक है। तो आपके पास आएगा क्या वो समझते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक साथ अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, n प्लस 2 अपान n प्लस 1, इसी को तो मैंने ओपन किया था, होल ओपन किया था, ये क्या था n प्लस 1 था, ऐसा ही था, और वहाँ पर x के स्थान पर मैंने 1 e रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिए यहाँ से जो मैंने एक स्टेप यहाँ पर किया था तो ये यहाँ से मैंने उठा लिया, इसको यहाँ पर ई रख दिया, ठीक है, ये रेडी, तो कंबाइंड लिखूंगा तो यही आएगा। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दो, लॉग एम की पावर एन होता क्या है, एन लॉग एम होता है, होता है या नहीं होता है, सबको पता है। चलो लगा दो, क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स, ये आपके पास साइड में चला आएगा, आएगा या नहीं आएगा, है ना। सो आपके पास ये क्या हो जाएगा,
ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, एन प्लस वन लॉग एन प्लस टू अपान एन प्लस वन, और यहाँ से आपके पास ये वन बाई ई है ना। ठीक है, सो ये वन बाई ई लाग यहाँ पर भी एक साथ ये पूरे में लाग लगेगा, इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाग लगाओगे तो लाग वन जीरो हो जाएगा, माइनस आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ई, माइनस का लॉग ई। अब ये कैसे आए इसको फिर बताते हैं। देखिए, जब यहाँ पर लगाओगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। ठीक है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन करोगे तो यहाँ लॉग वन बाई ई आएगा और लॉग वन जीरो होता है माइनस का, यहाँ पर वन बाई ई वाला लगेगा एम बाई एन वाला, तो एन लॉग एम तो वन वाला तो जीरो हो गया, तो यहाँ से माइनस लॉग ई आ जाएगा। ठीक है, और ये एन अपने पास बाहर चल रहा है, ये दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा जब होगा। तो चलिए आप इसका भी अपन चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर ये ई पर चला जाए, ई दोनों के अगर बेस और दोनों सेम हो जाते हैं ये वन पर चला जाएगा, और ये एन का मल्टीप्लाई करके इसको बाहर कर दो, है ना। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एन टाइम्स एन प्लस वन लॉग, इसको अगर डिवाइड करो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस वन अपान एन प्लस वन, एलसीएम करोगे तो यही आएगा, देखिए है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, सो क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉग वन प्लस एक्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड कराना है, और ये कहाँ गया, ये वन पर गया, वन पर गया और एन से मल्टीप्लाई किया तो ये एन हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा एक स्टेप और अपने पास आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टाइम्स एन प्लस वन है तो इसको आप चाहो तो इसके बाहर कर दो, एन टाइम्स एन प्लस वन और यहाँ पर एक ब्रैकेट्स लगा दो। अब इसका एक्सपेंशन कर दो वन प्लस एक्स से, जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या आएगा, लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको करना है तो सबसे पहले एक्स आएगा, तो क्या आएगा, एक्स के स्थान पर वन अपान एन प्लस वन काम कर रहा है, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा वन बाय टू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर वन अपान एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, फिर अगले पास नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा वन बाई थ्री आएगा, और वन अपान वन अपान एन प्लस वन का होल क्यूब आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट भी आएगा माइनस वन बाई फोर वन अपान एन प्लस वन की पावर फोर आएगा अप टू, है ना, माइनस का एन। आर यू क्लियर? चले थोड़ा सा अपने पास इसको और इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब जरा आगे बढ़ते हैं अपन, क्या आता है अगर इस एन को निकाल करके इस एन का वन प्लस वन का इसमें ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का वन अपान टू एन प्लस वन आएगा, फिर इसके आगे वाला क्या होगा प्लस वन अपान थ्री एन प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि मैंने एन प्लस वन से इसमें ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसके बाद माइनस का वन बाई फोर एन प्लस वन का क्यूब आ जाएगा, फिर पॉजिटिव इसी तरह से आपको मिलता चला जाएगा, और इधर माइनस का एन चल रहा है। चलो इसके आगे और बढ़ते हैं, क्या आता है ना। तो देखिए आपके पास इसके आगे अपन अगर बढ़ें तो अगर मैं एन प्लस वन यहाँ से कामन करूँ, क्या कामन कर रहा हूँ, माइनस का वन अपन एन प्लस वन मैं इससे कामन कर ले रहा हूँ, तो जैसे इससे मैं कामन करूँगा तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, है ना। देखो यहाँ से सबसे पहली बात है तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, इस एन से कैंसिल आउट हो जाता है और माइनस का एन अपन एन प्लस वन मैं बाहर कर लेता हूँ। देखिए एक स्टेप और लिख देता हूँ अपन,
कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं एन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एन अपान टू एन प्लस वन आ गया, प्लस का वन अप एन अपान थ्री टाइम्स एन प्लस वन का स्क्वायर आ गया, माइनस का एन अपान फोर टाइम्स एन प्लस वन का क्यूब आ गया, अप टू इस तरह से मिला है ना। और इधर क्या मिला, माइनस का एन मिला। अब देखिए इस एन से ये वाला एन कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से अब हमारे पास क्या कॉमन हम करेंगे, यहाँ से बेसिकली मैं माइनस का एन अपान एन प्लस वन ओवरऑल कॉमन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कॉमन करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा क्या, वो हमें समझना है ठीक है। और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, तो जब आप यहाँ से कॉमन करोगे तो ये आपके पास वन बाई टू मिलेगा, फिर माइनस का वन बाई थ्री आएगा, एन प्लस वन आ जाएगा है ना। फिर क्या आएगा, माइनस यहाँ पर ये क्या नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का वन बाई फोर वन अपान एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, फिर नेगेटिव इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके सो अब देखिए यहाँ से और आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं, तो इधर के सारे टर्म तो आप इसको अगर हम लोग नीचे लाएँ, एन को नीचे लाएँ, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, या लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इधर के सारे टर्म देखो, ये सारे टर्म जीरो पर चले जाएंगे ठीक है, इधर के सारे टर्म जीरो पर जा रहे हैं। आपके पास मिल क्या रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाय टू और माइनस का एन अपान एन प्लस वन। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगा दो तो आपके पास क्या आएगा, वन बाय टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस का एन, यहाँ से एन कॉमन करोगे तो वन प्लस वन बाई एन। अब इससे कैंसिल आउट, ये जीरो पर गया तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली माइनस का वन बाई टू मिली, क्या मिली, माइनस का वन बाई टू। अब ये जो माइनस का वन बाई टू ये लेस देन वन है, अब ये जब लेस देन वन है तो ये क्या कर गया, डाइवर्जेंट हो गया, क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। तो आपके पास केसेस कौन सी थी, फर्स्ट में आपके पास था क्या था कि एक्स आपके पास अगर लेस देन ई होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट था। सेकेंड में क्या आया कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई पर क्या मिला मुझे, डाइवर्जेंट मिला, इक्वल टू पर भी डाइवर्जेंट था और ग्रेटर देन ई पर भी डाइवर्जेंट मिला ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन से बट आपको कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस ए प्लस का थ्री एक्स का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस ए प्लस का फोर एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करें, तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आप यूएन डिफाइन करो, पहला काम आपका यूएन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न दिख रहा है, ए यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है, यहाँ पर थ्री, इसका मतलब ए तो कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा कि होल पावर, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, वन है इसकी पावर, इसका मतलब एन पावर हो जाएगा और अपान में एन फैक्टोरियल आ जाएगा, यही होगा। अब अगर आप यहाँ से यू एन प्लस वन डिफाइन करो तो यू एन प्लस वन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस का एन प्लस वन एक्स की होल पावर एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब आप करोगे क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ठीक है, ए प्लस एन एक्स की पावर एन डिवाइडिंग बाय एन फैक्टोरियल इनको एन प्लस वन फैक्टोरियल अपान ए प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स की होल पावर एन प्लस वन, यही तो आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये आपके पास क्या है, ए प्लस का एन एक्स की होल पावर एन
अपान एन फैक्टोरियल, ये है एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको आप एन एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कर दो, है ना। और ये क्या है, ए प्लस एन प्लस वन टाइम्स एक्स की होल पावर एन प्लस वन। अब देखिए एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, की पावर एन और एक्स की पावर एन बाहर होगा, और यहाँ से आ जाएगा वन प्लस ए अपान एन एक्स की होल पावर एन आ जाएगा, ठीक है। ओके सो और यहाँ पर क्या है आपके पास, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और ये एन प्लस वन है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग भी यहाँ से भी ऐसे कॉमन करेंगे, पूरा का पूरा यही इसी को निकालेंगे, एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन आएगा इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन आएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए अपान एन प्लस वन इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास वन बन जाएगा और ये एन प्लस वन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी, ये एक्स की पावर एन था तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट अगर करते हैं तो यहाँ से तो ये एक्स दे देगा, और ये एन की पावर एन है और इसको नीचे ला देते हैं तो ये ई पर चला जाएगा, है ना। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी, और ये कहाँ जाएगा, ये वन प्लस ए अपान एन एक्स वन की पावर इन्फिनिटी की केस है तो ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये ए बाई एक्स पर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा e बाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा यहाँ से। ये देखिए आपके पास ये कहाँ जाएगा, e की पावर a बाई एक्स पर जाएगा, ये वाला लिमिट एंड, ये आपके पास क्या है n प्लस वन है ना, तो यहाँ से इसको कट कर दो तो यहाँ से इसकी एक पावर कट हो जाएगी तो ये n प्लस वन की पावर n आ जाएगा और इसके नीचे ला देते हैं। और ये वाला भी कहाँ जाएगा, ये वाला भी अपने पास जाएगा, ये आपके पास कहाँ चला जाएगा, इसको आप ऐसा कर लो एन प्लस वन अपान एन की पावर एन हो गया, और ये कहाँ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये आपके पास जाएगा, ये भी ई की पावर ए बाई एक्स पर ही जाएगा, वन की पावर इन्फिनिटी केस है ना। सो लाइक आपके पास ये भी ऐसे ही जाएगा, ए बाई एक्स पर जाएगा और इंटू वन बाई एक्स है तो ये आपके पास ई पर गया, इससे कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास मिला क्या, वन अपान ई एक्स, हाँ अब डिफाइन हो गया वन अपान ई एक्स आपके पास आ गया। अब जो वन अपान ई एक्स आया है कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट केस ग्रेटर देन वन होना पड़ेगा, इसका मतलब अगर इसका रिवर्स करते हैं तो एक्स को लेस देन वन बाई ई होना पड़ेगा, है ना। अगर आप डाइवर्जेंट की केस देख रहे हो तो डाइवर्जेंट में आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट में इसको आपके पास क्या होना पड़ेगा, जो वन अपान ई एक्स है इसको लेस देन वन होना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स को ग्रेटर देन वन बाई होना पड़ेगा। अब टेस्ट फेल कब होगा, थर्ड आपके पास आता है टेस्ट फेल, तो टेस्ट फेल के लिए आपके पास क्या होगा कि वन अपान ई एक्स विच इज इक्वल टू वन होना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई होना पड़ेगा, जहां एक्स है वहां पर आप वन बाई ई रख दो। तो जैसे रखेंगे और उसके बाद आपके पास क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले आप लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर दो, अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। तो जैसे अप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ये यह बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा दे देगा, अप्लाई कर दो तो क्या होगा आपके पास, लिमिट एन लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी।
तो जैसे यहाँ पर लगाते हो, देखिए आपके पास आता क्या, बहुत ही थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए अब आप करोगे क्या, यहाँ पर जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं तो जहाँ एक्स था वहाँ पर वन बाई ई रख देंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ई। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई एन तो रहेगा रहेगा, और ये जो लॉग है यू एन अपन यू एन प्लस वन लगेगा, तो ये ई जो होगा ये वाला, ये वन बाई ई जो रखेंगे कहाँ रखेंगे, इसको इस पर रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो जैसे आप रखोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा e टाइम्स वन प्लस, जहां जहां x होगा वहां पर वन बाई ई रख देंगे तो ए ई अपान एन हो जाएगा, है ना। सो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा कि होल पावर n आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, डिवाइडिंग बाई नीचे भी आएगा आपके पास क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एन आ रहा था कि होल पावर एन भी था, उसके पास क्या था वन प्लस ए ई अपान हो जाएगा एक्स के स्थान पर, ठीक है, वन प्लस एन की होल पावर एन प्लस वन। देखिए यहाँ से समझते रहिएगा, आगे ही कर रहा हूँ, आगे ही कर रहा हूँ, ठीक है। चले लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली, अब ये लॉग ऑपरेट करेगा, तो लॉग अगर आप रेट करेगा तो ये एन बाहर रहेगा भी, तो ये हो जाएगा लॉग ई, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस ए ई बाई एन, है ना। और ये जो उसकी पावर होगी इसको मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, एक स्टेप कम कर ले रहा हूँ, ठीक है रंजन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चले उसके बाद आपके पास क्या होगा, फिर माइनस लगेगा क्योंकि m बाई एन से कर रहे हो, ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से n log, ये पावर वाला साइड में आएगा और log 1 प्लस वन बाई एन आएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा माइनस, माइनस का n प्लस वन log 1 प्लस ए ई अपान एन प्लस वन हो जाएगा, यही पूरा होगा, है ना। सो अपने पास इसके अब आगे स्टेप चलते हैं, इसके अगला स्टेप ये 1 पर चला जाएगा, बेस ही करोगे तो वन पर गया। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स, ये तो वन पर गया, यहाँ पर एन है और इसको लॉग वन प्लस एक्स से एक्सप्लेन ओपन कर देते हैं, है ना, एक्सपेंशन कर देते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा ए ई अपान एन आएगा, प्लस यहाँ पर प्लस आया तो अगला वाला स्टेप माइनस होगा क्योंकि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल नहीं होता, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस का एक्स फोर बाई फोर यही होता है इस तरह से, तो माइनस आएगा और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान टू एन आ जाएगा, अगला वाला आपके पास टू एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा ए क्यूब ई क्यूब अपान थ्री एन क्यूब आ जाएगा, फिर अगला वाला नेगेटिव आएगा, है ना, इसी तरह से ये वाला हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया, अब इस पर आ जाते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होगा, माइनस का एन और ये क्या होगा वन बाई एन माइनस का वन अपान टू एन स्क्वायर प्लस का वन अपान थ्री एन क्यूब माइनस का वन अपान फोर एन क्यूब, है ना, इसी तरह से आपके पास इसका एक्सपेंशन आएगा, फोर एन की पावर फोर आएगा, ठीक है, पॉजिटिव इस तरह से आपके पास, अब इसका एक्सपेंशन कर लो माइनस एन प्लस वन और इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ए ई अपान एन प्लस वन माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान एन प्लस वन टू टाइम्स एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का ए क्यूब ई क्यूब अपान थ्री टाइम्स एन प्लस वन का होल क्यूब अप टू नेगेटिव आगे आएगा, ठीक है, इस तरह से आपके पास मिलता चला जाएगा। चलिए ये तो यहाँ तक बातें हो गई, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ से एन कैंसिल, ये माइनस वन आएगा यहाँ पर प्लस वन है तो ये कैंसिल आउट कर देगा, और देखिए यहाँ से क्या होगा ए ई आएगा और यहाँ से माइनस का ए ई आएगा, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होगा और ये वाला टर्म यहाँ से, इसका एक टर्म कैंसिल आउट होगा, इसका एक टर्म और इसका एक टर्म, ठीक है, तो इसको बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपके पास ये क्या चल रहा है एन चल रहा है,
एन आपके पास चल रहा है, चलो चलने दो। अब फिर आपके पास आगे क्या आता है उसको समझते हैं। ये एन तो अभी चल ही रहा है, और यहाँ से आपके पास जब आपने किया तो यहाँ पर ये टर्म बचा, इधर का तो ये खाली हो गया, ये माइनस के साथ आया, तो माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू एन यहाँ पर आया। इसके अगले वाला क्या आएगा, प्लस का ए क्यूब ई क्यूब अपॉन थ्री एन स्क्वायर आएगा, है ना, थ्री एन स्क्वायर आएगा, प्लस नेगेटिव इस तरह से आता चला जाएगा। ये एक टर्म हो गया आपके पास। फिर इसके बाद का टर्म क्या आएगा आपके पास, इसके बाद का टर्म क्या आएगा वो समझते हैं। देखिए आपके पास कुछ, ये यहाँ तक हो गया और इधर वाले पर आ जाओ, तो आपके पास ये पॉजिटिव के साथ आएगा, एन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एन का, तो ये पहले हो जाएगा वन अपॉन टू एन, माइनस का वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर, अगला वाला प्लस का वन अपॉन फोर एन क्यूब, इस तरह से मिलता चला जाएगा। ठीक है, इस वाले पर मल्टीप्लाई करो एन प्लस वन का इस ब्रैकेट्स के साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, यहाँ पर आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट्स में, तो क्या आएगा ब्रैकेट्स में, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स एन प्लस वन आएगा। फिर इसके अगले वाला आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा, ए क्यूब ई क्यूब अपॉन थ्री एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास ये पॉजिटिव अगला वाला होगा, इस तरह से आपके ये मिल जाएगा। ठीक है, अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात चल रही है ना, सो अपन देखते हैं कौन सा टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो कोई हो रहा है या नहीं यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपके पास मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई टू, बाकी के आगे के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए क्यूब ई क्यूब अपॉन थ्री एन आ जाएगा, फिर आगे का जो भी आएगा नेगेटिव। ठीक है, इसमें अपन करोगे तो क्या आएगा, प्लस का वन बाई टू आएगा और माइनस का वन अपॉन थ्री एन आएगा, प्लस का वन अपॉन फोर एन स्क्वायर आएगा, इस तरह से आगे का नेगेटिव टर्म होगा। यहाँ पर जब आप करोगे इधर का तो कोई टर्म आपके पास मिलेगा क्या, यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करोगे और इसको डिवाइड में लाओगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, और जो एन यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे उसको मैं नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स वन प्लस वन बाई एन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अगले वाले को भी आप ऐसे कर सकते हो, माइनस ए क्यूब ई क्यूब अपान थ्री टाइम्स, अब अगर यहाँ पर एन से करोगे तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, एन प्लस वन बाहर करोगे, एन प्लस वन बाहर करोगे, तो बेसिकली इधर के सारे टर्म आपके पास ये कहाँ जाएंगे, देखिए आप यहाँ से ये आपके पास इन्फिनिटी पर जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये टर्म कैंसिल आउट होगा और आपके पास बेसिकली यही एक टर्म बचेगा, इधर के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टाइम्स एन था, तो अगर एन का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर एन प्लस वन कॉमन कर लो, तो कॉमन भी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एन अगर कॉमन करते हो यहाँ से एन कॉमन करोगे तो एक एन यहाँ से था और एक कॉमन किया आपने तो फिर भी एन था आपके पास, यहाँ बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, या थ्री टाइम एन प्लस वन को अलग कर लो एक, और एक जो एन आएगा उसको ऐसा कर लो वन प्लस वन बाई एन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे का जो भी टर्म आएगा ध्यान से समझना, समझ में आएगा। देखिए अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैं होल्ड करा रहा हूँ, ये जीरो पर गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई टू प्लस के साथ, ये नेगेटिव है कट गया। इन्फिनिटी की केस चल रही, इधर के सारे कैंसिल आउट, इधर के सारे कैंसिल आउट, जीरो पर सब चले गए सारे, इधर के भी ये जीरो पर ही जा रहे हैं, देखो ये एन प्लस वन है, इन्फिनिटी की केस है, सारे आगे के जीरो पर जा रहे हैं, बच क्या रहा है, सिंगल यही बच रहा है, बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो वन बाई टू जो होगा लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा, तो यहाँ से पता चला कि लेस देन वन के लिए डाइवर्जेंट हुआ, तो जो केसेस बनाया था कन्वर्जेंट के लिए क्या था आपके पास, कन्वर्जेंट के लिए आपके पास आया था वहाँ पर
कि x जो होगा लेस देन r, लेस देन के लिए आया था, देख लेते हैं क्या आया था। यहां पर देखिए कन्वर्जेंट के लिए x लेस देन आया था, लेस देन 1/e, और डाइवर्जेंट के लिए दो केसेस आपको मिली है, ठीक है। तो जो यहां से आपको रिजल्ट निकला कन्वर्जेंट के लिए x लेस देन 1/e और डाइवर्जेंट के लिए क्या आया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, आर यू क्लियर? तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो लॉगरिथमिक टेस्ट ऐसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके डन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको किसी को प्रॉब्लम यहां तक, जहां तक आपको समझाया गया, एनीवन? ठीक है, आर यू क्लियर? हाँ मैंने बताया ना, एक्स डाइवर्जेंट होगा जब एक्स इज इक्वल टू 1/e होगा, तो यहाँ पर लिखा है ना डाइवर्जेंट के लिए दो केसेस थे, एक्स ग्रेटर देन पर भी डाइवर्जेंट आया था 1/e पर, और इक्वल टू पर भी आया था। तो यहाँ पर दोनों साइन लगाया है ना, ग्रेटर देन और इक्वल भी। नीतीश आर यू क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से समझना, जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू निकाला, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ये 1/e, यहाँ पर एक केसेस बनी थी, पहले ही बनी थी कि एक्स लेस देन 1/e पर कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट के लिए एक केस यहाँ से भी आई थी कि एक्स ग्रेटर देन 1/e पर। टेस्ट फेल जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, एक्स इक्वल टू 1/e पर। तो इसके लिए मैंने लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया, तो जो x इक्वल टू 1/e आया वहां पर भी डाइवर्जेंट फिर से आ गया। तो जब डाइवर्जेंट आ गया तो इसको मैं इसी के साथ लगाऊंगा ना, इक्वल साइन लगा करके, तो वही तो लिखा है, डन। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।